Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Today we start Cramer rule. देखिए मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि इस चैप्टर में ईच एंड एवरी ईयर कभी कभी को छोड़कर मैंने देखा है कि क्वेश्चन या तो क्रेमर रूल पे बेस्ड आता है और या एक मैट्रिक्स मेथड और है, वो इस क्रेमर रूल के बाद में मैं कराने वाला हूँ, उस पर बेस्ड आता है। तो क्रेमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, तो जैसा मैं करवा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना, देख ध्यान से, और जो मैं आपको यहां थ्योरी लिखवा दूं आपको भी उसी थ्योरी को यूज करना है एग्जाम में, ये नहीं कि आप बुक वाले मेथड को यूज करें। तो देखिएगा क्रेमर रूल क्या होता है क्या नहीं होता, अब आप गौर से देखिए। देखो a1x + a2x + a3x, दोबारा से देखो a1x b1y c1z = d1, इस तरीके से लिख लो। हो सकता है कई बार इसको a11 b11 c11 टाइप में लिख दिया जाए, और वैसे a1 b1 c1 d1 आर कॉन्स्टेंट तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। ऐसे ही a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = क्या है आपके पास, d3। ये आपको गिवन है, तो देखो ध्यान से मैं डेल्टा इक्वल टू लिखता हूं। आप डेल्टा क्या है क्या नहीं है आपको कुछ मतलब नहीं रखना, डायरेक्ट इसे ही मेथड को यूज करना है। डेल्टा इक्वल टू क्या यूज करोगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये आपको डेल्टा इक्वल टू हर क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है। ऐसे ही आप क्या करोगे, डेल्टा वन इक्वल टू क्या करोगे, सुनो ध्यान से, जो d1 d2 d3 है ना इसको आप यहां पे रख दो, डेल्टा वन मतलब पहली पोजीशन पे और बाकी सेम रहने दो, b1 b2 b3 ऐसे ही c1 c2 c3 ये लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए, उसके बाद डेल्टा टू पे क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, a1 a2 a3, d1 d2 d3 और उसके बाद c1 c2 c3 कंप्लीट। और ऐसे ही आप क्या करोगे, डेल्टा थ्री इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और देखिए अब थ्री पे क्या लाना है, ये वाला ही d1 d2 d3। देखिए आप पहले इतना लिख ले, आपने ये इक्वेशन आपको कहां मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी, और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय यूजिंग क्रेमर रूल। तो आपको क्या करना है, क्रेमर रूल से जब क्वेश्चन को आप करो उस टाइम डेल्टा इक्वल टू दिस वन रखना, फिर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, मतलब आपके पास डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, इस प्रकार से आपको चार नंबर आप फाइंड आउट कर लोगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद क्या होगा वो देखिए, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बताने वाला हूं, पूरा आपको फोकस करना है। अब इसके तीन केस हैं और तीनों केसेस को मैं बारी बारी से लिखवा देता हूं, जिसमें मैं केस फर्स्ट को लिखवा रहा हूं, सुनो ध्यान से। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, therefore in a sense it has unique solution। ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा, जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा सेम लाइन यूज करने वाला हूं। क्या लिखा मैंने, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज
कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। भाई डेल्टा वन डिटर्मिनेंट है, उसकी भी कोई वैल्यू आएगी, उसके अपॉन डेल्टा की भी कोई वैल्यू आएगी। ऐसे ही y इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थ्री अपॉन का डेल्टा। और देखिए जो मैंने आप इससे लाइन से ऊपर लिखवाया है ना, ये चीज इसी को ही क्रेमर रूल बोलते हैं। लेकिन आपके बोर्ड लेवल पे हम तीनों केसेस कंप्लीट एक जगह लिखा देते हैं और कह देते हैं कि ये कंप्लीट क्रेमर रूल है, बाकी रियली तो यही क्रेमर रूल है। जो पहला वाला है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और x का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगा, y का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगा, और z का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगा, बस इसे ही क्रेमर रूल बोलते हैं। लेकिन अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा वन इक्वल टू जीरो, डेल्टा टू इक्वल टू जीरो, और डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, then the system of equation is consistent, therefore it has infinite yani a large number बोल सकते हो आप, ये not defined वाला नहीं बोल रहा मैं, a large number, therefore it has infinite नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये मेथड आपकी बुक में है, इसमें इसके दो केस होते हैं, इसके इस लेवल के दो स्टेट बोल सकते हो आप, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं करा रहा क्योंकि आपकी बुक में केवल यही है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम आपको बताया जाएगा कि ये कंसिस्टेंट भी होता है इसमें और इनकंसिस्टेंट भी होता है। लेकिन उसकी फॉर्मेट आपको याद नहीं रखनी, आपके जितना है उतना ही आप करो। तो क्या काम है, डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये सब क्या हो जाए जीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये इनफाइनाइट वो नहीं है जो नॉट डिफाइंड होता है, ये वाला ये नहीं है, ये क्या है, ए लार्ज नंबर। आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा संख्या में, आप ये बोल सकते हो। तो इस प्रकार से आपने केस सेकंड कर लिया, अब केस थर्ड की बारी है। केस थर्ड देखिए, अब केस थर्ड देखिए, केस थर्ड ध्यान से देखो, केस थर्ड क्या है, देखो इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, ध्यान देना इस केस पे, एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट जीरो, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट जीरो, then system of equations is, कभी आप सोच रहे हो कि यहां आ आएगा और नहीं आएगा, इजी आएगा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग है ये, इज कभी माइंड में आ रहा हो कि इक्वेशन से आर लगा दे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही है, सिस्टम तो एक ही है ना, सिंगुलर है, then system of equations is inconsistent, therefore it has no solution। देखिए अभी तो आप इनको ऐसा
जब हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे उस टाइम में बताऊंगा कि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है और इन चीजों का क्या मतलब है। अभी आप केवल इतना मान लो कि ऐसा होता है, तो ये तीनों केस आपको लर्न रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो ध्यान से कि जब सब इक्वल हो जाए जीरो तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और अगर इनमें डेल्टा इक्वल टू जीरो और इनमें से देखो एटलीस्ट वन ऑफ मतलब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में कम से कम एक नॉन जीरो हो, आप ये बोल सकते हो, नॉन जीरो बोल रहा हूं, कम से कम एक एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये केस थर्ड है और तीनों केसेस मैंने करवा दिए हैं। इन तीनों केसेस को आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आने वाली क्लास में देखेंगे।